कर रही हो? अपने पापा से दूर भाग रही हो? Why? तुम्हें मालूम है ना, मालूम है कितना मिस करता हूं मैं तुम्हें और तुम अपने लंगड़े लंगड़े पापा की कोई फिक्र ही नहीं है। प्लीज छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूँ? तुम भी तो मेरी जान भी को नहीं छोड़ रही ना, दूर कर रही हो ना उसे मुझसे, दूर कर रही हो ना? माया बेबी इज अ गुड गर्ल और गुड गर्ल अपने पापा की हेल्प करेगी। प्लीज जाओ मुझे अकेला छोड़ो। प्लीज हेल्प मी Mango? थप्पड़ थप्पड़ खेलने का बहुत शौक है ना, आ जा तो पहले खुद पे शौक पूरा करो, ठीक है? तुम क्या सोचती हो मैं ऐसे गुंडों से चढ़ जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कब तक भागोगी। अच्छा भागम भाग का बहुत शौक है तुझे, तो एक काम करते हैं, तू भाग और मैं तुझे पकड़ूंगा, और अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो ये दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर के बाहर एक पाटला और भीख मांगने की जगह एकदम फ्री 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 तेरे लिए, समझा? लुक क्या दे रहा बे? ये मत समझना कि माया के लिए, आइंदा इसके आसपास भी दिखाना, दूंगा तो कान के नीचे। चल माया, ठीक हो? He's gone. Thank you.
माया, ओ थैंक यू। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी, थैंक यू क्यों बोल रही है, ये तो मेरा जॉब है। अरे आज तो थैंक यू बोल देते यार, कमाल की लड़की है। ये मत समझना कि माया अकेली है। दो घंटे लगे हैं आज, दो घंटे, ये भी धब्बा बचेगा नहीं। माया मैडम को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आज। हे रामप्रसाद, व्हाट्स अप ब्रो? आई एम सो सॉरी, तेरा माया मैडम का सफेद सफेद ऑफिस मेरे जूतों की मिट्टी से गंदा हो गया। अब तेरा क्या हो गया? वही होगा जो मंजूरे माया होगा। गुड मॉर्निंग। नो गुड मॉर्निंग माया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे लोग ना मैं रोज झेलता हूं। बट ये बताओ, वो था कौन? वो कल वहां कर क्या रहा था? एनी प्रॉब्लम? कोई पुराना दोस्त? कल कुछ नहीं हुआ था। कल कुछ नहीं हुआ मतलब? अरे वो अंकल, हीरो वाली एंट्री, क्या जमाना आ गया यार। नेकी करो और दरिया में डालो। आई मीन, एक तो मैंने हीरो की तरह उस गुंडे से हीरोइन को बचाया, कोई और होता तो एटलीस्ट थैंक यू बोलता कि ना मुन्ना ना, ये तो हमारी क्वीन भी है, इनको तो भूलने की बीमारी है। मैं कौन, मेरा नाम क्या है, कुछ नहीं पता इनको। एनीवेज, ये तो मेरा कर्तव्य है, थैंक यू क्यों बोलेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। माय प्रेजेंटेशन। उस फैशन डिजाइनर का क्या हुआ? मैम, उसे कलेक्शन रेडी करने के लिए एक दिन और लगेगा। We need to get it done because Mr. Sharma, I'm not done yet. So, listen, Maya, Mr. Sharma,
और टेल पेरी मुझे उसका कलेक्शन प्रीव्यू करना है। माया, आई मीन माया मेहरोत्रा, आप ही ने कहा था कि ये प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है। मेल कर दो रिया। अब क्या कर दिया भाई? माया मैम तो तुझे टोटल इग्नोर मार रही है। व्हाट्स कुकिंग ब्रो? आई डोंट नो व्हाट्स कुकिंग ब्रो, बट मुझे अब जानना है कि व्हाट्स कुकिंग ब्रो। अब सॉरी, तो तुम्हारा जब फोन आया ना, तभी मैंने मक्की को कॉल करके बोला। I'm so sorry. I mean मल्कानी। वो जो अर्जुन है ना, वो मल्कानी को मक्की कहता है। उसकी सारी बैड हैबिट्स ना मुझमें ही आ गई। अब anyway, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने मक्की को ये कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। And let me guess, तुमने कहा होगा कि तुम्हें बुखार है, पेट खराब है। No. Okay. तब तो तुमने जरूर कहा होगा कि तुम्हें किसी हैंडसम लड़के के साथ डेट पे जाना है। बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, बैड जोक। मैंने ये कहा कि इतनी बारिश हो रही थी ना कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो टीवी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया तो शुभ टीवी नहीं देख पाया, अब टीवी नहीं देख पाया तो बेचारा बोरियत में क्या करता है, उसे भूख लग गई, भूख लगे तो वो किचन में गया, किचन में जाते ही ना बेल बज गई। अब बेल बज गई तो ऑब्वियसली वो दरवाजा खोलने गया और फिर गैस तो खुली की खुली थी तो घर में आग लग गई। नाइस ना? वाओ, ये झूठ थोड़ी है, ये तो कहानी है, फिल्मी कहानी। आई नो राइट? ये सब कुछ ना मुझे वो डफर अर्जुन ने सिखाया है। वो हमेशा कहता है कि हर एक कहानी में ना कहीं झूठ होता है और हर एक झूठ में कहीं ना कहीं एक कहानी छिपी होती है। अर्जुन काफी कुछ कहता है। हाँ हाँ, उस डफर का तो काम ही है, चपड़ चपड़ चपड़, इतना वो चपड़ता है ना कि क्या बताओ, नेक्स्ट लेवल चपड़ता है वो। और ये जो कॉफी है ना, इसे ना उबालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना पकाता है कॉफी अपने आप पक जाती है। सो फनी। नॉक करना नहीं सीखा? मैं कमिंग? अभी नहीं, मैं बिजी हूँ, बाद में नहीं, अभी। प्रॉब्लम क्या है आपकी? सिंस मॉर्निंग आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों? इग्नोर उसे किया जाता है जिससे जिंदगी में कोई फर्क पड़े। अगर आपकी अटेंशन प्रॉब्लम खत्म हो गई हो तो मैं काम कर लूँ। मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। मिस्टर शर्मा, दैट्स द पॉइंट। मिस्टर शर्मा, अर्जुन से मिस्टर शर्मा तक के सफर में कुछ तो कांड होगा बॉस। जो भी हो, I don't care. पर मुझे इतना पता है कि इस वक्त आपके लिए ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। So, please, आप मुझे अपने कीमती 10 मिनट दे दीजिए। प्लीज मिस्टर शर्मा को भूलकर अर्जुन के लिए। थैंक यू।
की चूड़ियां। माया मैं फोटोग्राफर हूँ, उंगली क्यों तोड़ रही हो मेरी, फोटो कैसे खींचूंगा? मैंने प्रेजेंटेशन देख ली है, यू मे लीव। थैंक यू मिस्टर शर्मा। खून चूसने वाली मक्खी उंगली तोड़ने वाली मक्खी बन चुकी है, माया बनी फिर से मॉन्स्टर। कम इन। मैडम, मैडम कल से पानी बहुत बरस रहा है, ट्रेन भी नहीं चल रहा है, तो स्टाफ पूछ रहा था कि आज जल्दी जा सकते हैं क्या? ओके। जी मैडम। सब कुछ आने के लिए कह दो। थैंक यू मैडम। मैडम थैंक यू। आप भी। अच्छा थैंक यू। तो जाहिर है तुम और अर्जुन यहाँ काफी आते होंगे। काफी आते होंगे मतलब क्या? मैं और अर्जुन यहीं पले बड़े। वो ढक्कन तो अभी भी आने वाला था, लेकिन उसकी वो मॉन्स्टर सी बॉस है ना, उसे हंटर मार के रखती है। इसका मतलब है कि अर्जुन अपने बॉस से डरता है। एक्सक्यूज मी, अर्जुन किसी के बाप से नहीं डरता है। वो तो अर्जुन है जो माया के लिए ना वो एक कदम पीछे ले लेता है, वरना अर्जुन कभी भी नहीं। यू नो वो अर्जुन पता कैसा है? वो एक नारियल है, बाहर से टफ और अंदर से ये देखो, ये फोटो देखो। इसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी जिम्मेदारी इसके सर पर ही है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके फोन के बिल से लेके उसकी चड्डिया भी मैं खरीदती हूँ, मैं सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। नो, व्हाट आई रियली मेंट वाज कि वो जो ब्रिलियंट क्रिएटिव वो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, वो ना अपनी सारी एनर्जी ना अपने काम में लगाते हैं। हाँ, दे आर वेरी फोकस्ड। डन। मेरे लिए तो हाँ है। किस चीज के लिए हाँ है? शादी के लिए मुझे मंजूर है। जीतू, वो एक्चुअली मैं देखो सांश, तुमने मुझे अर्जुन के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है कि मुझे भी यकीन हो गया कि उससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। ग्रेट, तो मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, अर्जुन के मॉम से बात करने के लिए। अर्जुन के मॉम से क्यों बात करनी है? अब मेरी और अर्जुन की शादी हो रही है, उसके मॉम से ही बात करनी पड़ेगी, या फिर वो भी तुम ही करोगी। ओके, आई एम सॉरी, दैट वाज अ सेकंड बैड जोक। खैर, अब हमारे बारे में बात करें। हमारी कौन सी बात? हमारी शादी की बात, यही तो प्लान था ना? नो, ये प्लान नहीं है, प्लान तो कुछ और ही था। प्लान कुछ और था मतलब? मेरे बारे में सोच रही हो? मुझसे तो झूठ बोल लोगी, लेकिन अपने आप से कैसे बोलोगी?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.